मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं पूरी तरह ठीक ठाक आपके सामने हूँ फानी साइक्लोन के बाद। आप लोगों को कैसा लग रहा है? खुश तो है ना आप? मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया है, इसीलिए मेरा हेयर भी भीगा है। तो बाहर का व्यू देख रहे हैं? अंधेरा है ना? अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। सुबह अभी हुआ नहीं है, मतलब सेकंड में ही रात को 9 बजे हमारे यहाँ का बिजली चला गया और आया कल रात, यानी 3 में ही रात 9 से 10 बजे तक आया। तो वो दिन भर पूरी तरह बिजली के बिना काम करना तो आपको पता ही है कैसा बोरिंग होता है। तो सारा घर पूरी तरह मेशी मेशी हो, तो मतलब गंदा होके पड़ा है। मैंने सोचा सुबह ही उठ जाती हूँ, उठ के सारा काम निपटा लेती हूँ। देखेंगे मेरा घर की हालत कैसी है। देखिए पूरा किचन कैसे सारा फैला पड़ा है। कल सारे पानी वगैरह फिलअप करके रखा था, पानी आएगा या नहीं, तो अभी मुझे ये सारे बर्तन किचन साफ करना है, सब कुछ ठीक करना है। देखिए कपड़े वगैरह भी कुछ सब कुछ धुले हुए कपड़े भी मैंने फोल्ड नहीं किए, रेनकोट वगैरह वैसे ही पड़े हैं। उनके और मेरे बेटे के जन्म से पहले सारा काम खत्म करूं, और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, बाल सूखने के अंदर मैं ये सारे काम निपटा लूँगी। उसके बाद वो शॉप चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी। बहुत काम है और मुझे कुछ और वीडियोस भी बनाने हैं, तो ये सारे काम ख़त्म करके मैं थोड़े और कुछ वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का वक्त या फिर सुबह उन सब के जागने से पहले मुझे वीडियो बनाना होता है या फिर उन सब के सोने के बाद, वरना अभी तो समर वेकेशन शुरू हो गया, मेरा बेटा दिन भर मम्मा 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 ये वो करता रहता है। इसीलिए आप लोग डर तो नहीं गए टाइगर वाला मास्क देखकर? ये जो हमारे यहाँ पे ठकुराणी यात्रा हुआ था ना, वहीं से हमने लिया था हमारे बेटे के लिए। नॉर्मली 40 रुपीज़ इसका वैल्यू ज़्यादा है, पर सिर्फ वो फेस्टिवल के लास्ट 2 डेज़ में 100 रुपीज़ ऐसे बोल रहे थे। हमारा मेरे हस्बैंड का कोई जान पहचान वाला था, इसीलिए हमें 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में शायद दे दिया। तो मेरे काम ख़त्म होने के बाद मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वो सारे गंदे मतलब मैसी वाले काम सब ख़त्म कर चुकी हूँ। मेरे बस कपड़े फोल्ड करने बाकी हैं, वो मैं सुबह कर लूँगी, मतलब थोड़ी देर बाद कर लूँगी। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। वो फ्रंट कमरे से मैं शूट कर रही हूँ, इसीलिए वो वॉच नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अब मैंने 2 वीडियोस भी शूट कर लिए हैं और अभी मुझे जाना है, वीडियोस को एडिट करना है। मैंने टिफ़िन के तैयारियाँ करके रखी है, जब उठेंगे गरम गरम नाश्ता बनाऊंगी, इनके दे दूंगी, फिर जाऊंगी सोने, उसके बाद मिलते हैं लंच में, बाय, मेरा इंतज़ार करना। और हाँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? वीडियो बना रही थी इसीलिए पहना था, अच्छा है ना? अपने न्यू कलेक्शंस में दिखाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वो वाली वीडियो पर जाके देखिएगा। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही हूँ मेरा लंच। राइस चढ़ा दिया है अभी कुकर में, मैं भिंडी जीरा झोल बनाऊंगी, और एक चीज़ क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो आप यहाँ खड़े, इतनी गर्मी लग रही है कि मतलब इतना पसीना निकल रहा है कि संभाल नहीं पा रही, इसीलिए मैं बीच बीच में आइस फेस पे लगाती हूँ या फिर ठंडे पानी से अपना मुंह धोती रहती हूँ। जीरा 1 चम्मच, जीरा
क्या कहते हैं, राई के दाने, थोड़े से राई के दाने। और लूंगी हल्दी का पाउडर, करी के लिए मैं इसे में ही डाल देती हूँ, रेड चिली, पांच से छह टिकलियां। हमें थोड़ा स्पाइस भी पसंद है इसीलिए हम मैं स्पाइसी ही बना रही हूँ थोड़ा सा। और दो दो ऑनियंस और तीन टमाटर, ये मेरी हाफ किलो से कम है थोड़ा सा। अब डालूंगी इसमें लहसुन और इस पानी डाल के इसे स्मूथ पेस्ट बना दूँ। और कुकर में ऑयल डाल के थोड़ा सा राई के दाने को, पहले मैं ऑयल में राई के दाने डालूंगी, फिर एक ऑनियन फ्राई करूंगी, उसके बाद भिंडी डालूंगी, फिर भिंडी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये मसाला डाल के एक चीज़ आएगा उसे डाल के, रोशनी के लिए जगह है मेरा बेटा, उसे डाल के एक या दो सीटियाँ दे दूंगी, बस हो जाएगा। भिंडी के लिए एक सीटी भी ज़्यादा है, पर ये भिंडी थोड़ी सी थोड़ा बुढ़ी होगी इसीलिए सोच रही हूँ कि दो दूंगी, देखते हैं। लहसुन मैंने दूसरा आइटम सोच लिया है, मैं बनाऊंगी लौकी और उड़द दाल की वड़ियाँ, वो डाल के एक सब्जी बनाऊंगी। तड़के के लिए मैंने लिया है लहसुन, थोड़े उड़द के दाल, सरसों, जीरा, रेड चिलीज। पहले लौकी के दाने को, लौकी को छोटे छोटे पीसेस में काट कर हम एक सीटी के लिए बॉईल करने के लिए रख रख दिया है। और मेरी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है। अब ये देखिए उड़द की बढ़िया। और अब उसी बॉईल वाटर जो होगा ना, उसी में हम इसे डाल देंगे तो उस थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे छलनी में निकाल लेंगे, छान लेंगे उस, और जो तड़का निकाला था उसी को हम एक तवे पर दो से तीन चम्मच ऑयल डालेंगे और इस तड़के को डालकर लौकी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे एक से दो मिनट तक। और उसके बाद मेरा लंच तैयार हो जाएगा, मैं अपना टिफ़िन तैयार कर लूँगी, उनके लिए खाना परोस कर रख दूँगी और मैं चली जाऊँगी शॉपिंग। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसी में आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाए मेरे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरा तो ज़्यादातर दिन ऐसे ही जाता है। आप लोगों का लंच कैसे बनता है, क्या ऐसी रेसिपियाँ आप सबके घर पे भी बनती हैं? अगर बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।